हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एस के ऑनलाइन गाइड में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था इन्फॉर्मेशन क्या होता है और इन्फॉर्मेशन और डाटा में अंतर क्या होता है। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डाटा इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। उससे पहले कहना चाहूँगा, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? डाटा को उपयोगी यानी यूजफुल बनाने की प्रक्रिया ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। डाटा को उपयोगी यानी यूजफुल बनाने की प्रक्रिया को ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। आइए इसको पहले समझते हैं साधारण भाषा में कि प्रोसेसिंग क्या होती है। मान लीजिए कि हम एक मिक्सर में संतरे का रस निकालते हैं, तो क्या होता है, जब हम संतरे को मिक्सर में डालकर मिक्सर चालू कर देते हैं तब जो मिक्सर में प्रक्रिया होती है वही हमारा प्रोसेसिंग कहलाती है। अब यहाँ पे समझिएगा कि डाटा हमारा संतरा हो जाएगा और जो मिक्सर में काम हो रहा है वो हमारा प्रोसेसिंग हो जाएगा, और जो संतरा से रस निकला हुआ है वो हमारा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। आइए हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है और फिजिकल डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग वह होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा प्रोसेस की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाते हैं। फिर से समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा प्रोसेस करने की प्रक्रिया ही इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है, और जो हाथ से किए गए कार्य को हम फिजिकल डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे हम संतरे का रस मशीन से निकालते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगा। यदि यही हम संतरा हाथ से दबा के निकालते हैं तो वह फिजिकल प्रोसेसिंग कहलाती है। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है और फिजिकल विधि से डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।